हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 4, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। पेड़ जो कभी देना नहीं छोड़ता। व्हाट डू ट्रीज गिव अस, डिस्कस। पेड़ हमें क्या देता है, चर्चा करें। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest. The tree loved to have the boy visit it and play in its branches. एक गांव में एक नटखट शैतान लड़का रहता था। वह लड़का रोज एक बड़े पुराने आम के पेड़ के पास घंटों खेलकर बिताता। उसकी पत्तियों से एक राज मुकुट बनाया, क्राउन मीन्स मुकुट, एक मुकुट बनाया और फिर गर्व से बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। पेड़ को लड़का का उसके पास आना और शाखाओं पर खेलना बहुत अच्छा लगता था। टाइम पास्ट, द बॉय ग्रीव टू बी अ मैन बट टू द ट्री He would always be a boy. Gradually he stopped coming to the tree. Then one day, to the tree's great delight, he saw the boy approaching. The boy said he needed money, for without money he couldn't marry. Take my bangles, they are the best variety, sell them and you will have more than enough money, offered the generous tree. The boy didn't wait another minute. फिर क्या हुआ, समय बीतता गया। लड़का अब युवा हो गया था, बड़ा हो गया था, लेकिन पेड़ के लिए वह हमेशा एक छोटा बालक था। धीरे धीरे उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। फिर एक दिन पेड़ के लिए बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसने देखा लड़का आ रहा है। लड़का ने कहा उसे रुपयों की आवश्यकता है, क्योंकि बिना रुपयों के वह शादी नहीं कर सकता था। मेरे आम ले लो, वे अच्छे किस्म के हैं, उन्हें बेच देना और तुम्हें ज़रूरत से कहीं अधिक ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। और बेचारा जनरस ट्री, उदार ट्री ने सुझाव दिया, ऐसा सुझाव दिया कि तुम जो है मेरे आम को बेच दो और उसे बेचने के बाद तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा और तुम शादी कर पाओगे। तो लड़के ने एक मिनट भी प्रतीक्षा नहीं की। नेक्स्ट पैराग्राफ, The boy stripped the tree of every single mango, sold them and got married. After a lapse of time, the boy came back again, sullen and complaining, I need a house. Can you give me a house? फिर क्या हुआ कि लड़के ने पेड़ से एक एक आम बेरहमी से खींचकर तोड़ लिया, उन्हें बेचा और शादी कर ली। कुछ समय बिताने के बाद लड़का फिर से वापस आया और हट करते हुए और शिकायत किया कि मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्री। So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. Slowly the tree aged without its branches and leaves. It felt lonely and sad. It missed the boy. फिर क्या हुआ, सुंदर पेड़ ने कहा मेरे मजबूत शाखाओं को ले लो तथा स्वयं ही तुम खुद ही एक घर बना लो और अपने लिए अन्य साज सामान जैसे कुर्सी, पलंग,
बना लो। इस तरह लड़के ने उसके तने को छोड़कर सभी शाखाओं को बेदर्दी से काट डाला। धीरे धीरे पेड़ बिना शाखाओं और पत्तियों के बूढ़ा हो गया। वह अकेलापन महसूस करने लगा और दुखी था। वह लड़के की कमी महसूस करता था। Years went by, the lonely old tree often thought of the boy, and then one day the boy came again, not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see something of the world. साल बीतते गया, years went by, साल बीतते गया। अकेला बूढ़ा पेड़ प्रायः लड़के के बारे में सोचता। और फिर एक दिन लड़का पुनः आया, एक बार फिर से आया। इन सालों में लड़का सुंदर हो गया था, पहले जैसा युवा नहीं रह गया था। मुझे एक नाव चाहिए, वह पेड़ से बोला। मैं यात्रा करना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ देखना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, सेड द ट्री। फिर क्या हुआ, पेड़ ने कहा, मेरा तना ले लो, केवल यही मुझ में बचा है, यह तुम्हें एक अच्छी नाव बनाकर देगा। द थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक, मेड हिज बोट एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन once thinking about the tree and what he had done to it. और क्या हुआ, लापरवाह विचारहीन लड़के ने पेड़ के बारे में एक भी बार विचार किए बिना, और उसने उसके लिए क्या किया सोचे बिना, तना काटा, नाव बनाया और दूर सैर पर निकल पड़ा। Finally, the boy became a tired old man, and now all he could think of was his faithful friend, the tree. Come, boy, called the tree, rest here on my stump. It makes a good seat. We can be happy together. And the boy, gratefully for once, sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy. Why was the tree happy? और क्या हुआ, अंत में लड़का थका हुआ बूढ़ा हो गया था। उसके बारे में उसके शुभ चिंतक पेड़ ने सोचा, कि आओ आओ माय बॉय, वृक्ष ने ऐसा बोलकर बुलाया, मुझे इस ठूठ कटे हुए तने पर विश्राम करो, मेरे इस कटे हुए ठूठ पर तने पर विश्राम करो, यह बैठने का अच्छा स्थान है, हम साथ मिलकर खुश होंगे। और लड़का एक बार फिर कृतज्ञता पूर्वक सूर्य की गर्मी में पेड़ के ठूठ पर बैठ गया, और वृक्ष या पेड़ बहुत खुश था। पेड़ खुश क्यों था स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टीन, एक स्टोरी है द गिविंग ट्री, वहाँ से शेल सिल्वरस्टीन के द्वारा इस लेसन को उठाया गया है। सो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आपके लिए और भी लेसन्स की वीडियो लाता रहूँगा।